गोंडा लोकसभा सीट से सपा ने राकेश वर्मा का टिकट लगभग फाइनल कर दिया है। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा इन दिनों गोंडा लोकसभा सीट में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उनका टिकट लगभग फाइनल कर दिया गया है। राकेश वर्मा पूर्व कैबिनेट मंत्री यूपी के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे हैं। राकेश वर्मा इन दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार गोंडा लोकसभा सीट में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यूपी के बड़े नेता माने जाते थे बेनी प्रसाद वर्मा। उनके बेटे राकेश वर्मा समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में उतरेंगे। माना जा रहा है कि गोंडा लोकसभा सीट पर कुर्मी मतदाता हैं और इसी के चलते समाजवादी पार्टी राकेश वर्मा को लोकसभा का चुनाव मैदान लड़वा सकती है। आपको बता दें कि गोंडा लोकसभा सीट से राकेश वर्मा के पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा चुनाव जीत चुके हैं। इस समय राकेश वर्मा भी अपने भारी भरकम समर्थकों के साथ गोंडा लोकसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं राकेश वर्मा। माना जा रहा है कि राकेश वर्मा का टिकट सपा ने लगभग फाइनल कर दिया है। गोंडा लोकसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर मुस्लिम मतदाता करीब 23% हैं, जबकि ब्राह्मण 21% हैं और क्षत्रिय 16%, ओबीसी 16%, दलित 11% और अन्य 13% बताए जाते हैं। इस सीट पर बाराबंकी की कुछ विधानसभा आती हैं, जिसके बलबूते राकेश वर्मा गोंडा से ताल ठोकने जा रहे हैं। वहीं इस सीट पर अगर वह चुनाव मैदान में उतरते हैं तो भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं।